वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरात भाजपा महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र पाटणी यांच्या प्रचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सभा घेण्यात आली. त्या सभेमध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या 370 कलम हटवल्याबद्दलची भूमिका देशविरोधी असल्याचं सांगून जोरदार हल्ला चढवलाय. या सभेमध्ये अमित शहा म्हणाले की आम्ही देशासह राज्यात विकासाची मोठी कामं केली आहेत. आम्ही केलेली कामं सांगण्यासाठी 7 दिवसांचा सप्ताहही कमी पडेल. आम्ही देशहितासाठी काश्मीर मधील 370 कलम हटवलाय. काश्मीर मध्ये महाराष्ट्रातील जवान शहीद झाले नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. ट्रिपल आई टी, आई आई एम, एम्स और लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया. मोर्सी में कोका कोला का संतरा का कारखाना लगाकर संतरा की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारे काम. मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारे काम इसलिए कर पाए हैं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिला, आपका आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस. और मोदी जी ने मित्रों बहुत सारे काम किए, बहुत लंबा मेरे पास लिस्ट है, कहने जाऊंगा तो 7 दिन तक भागवत सप्ताह बिठाऊंगा ना तो भी ये सूची समाप्त नहीं होगी, इतना काम हमने किया है. परंतु मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है तो देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम. अभी अभी कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी कहते थे मोदी जी बहुत विदेश है. मुझे लगा चलो भाई चेक करते हैं, तो मैंने चेक करा कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दो में से ज्यादा विदेश कौन गया. आंकड़े आए तो मालूम पड़ा कि मनमोहन सिंह ज्यादा गए थे. मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ज्यादा गए, तो उसने कहा अमित भाई आपको इतनी भी बात मालूम नहीं पड़ती. मैं बोला बताओ भाई मेरी तो समझ में नहीं आता. तो उसने कहा मनमोहन सिंह जी जाते थे तो दो अंग्रेजी में टाइप किए हुए. हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन वीडियो पाहण्यासाठी MKN चे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबा. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा फक्त MKN, प्रतिबिंब वास्तवतेचं.